अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीने को जो भी चाहिए है, कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर, कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही, भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका, बच्चों के पास पहुँच जाएंगे, डर नहीं लगता कि भाई हाईवे में क्या होगा, कौन नहीं, कुछ नहीं डर लगता, कोई डर नहीं, अपना मन तो गलत हुआ था, मैं निकल जैसे बने निकल जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दे देगा मदद तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके, जो कहा जाएगा कि हमको हम लोगों को गांव का छोड़ दिया, ठीक है गांव पे छोड़ दिया माने, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए, के गज जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, सो दो पैसे मतलब फिर से रोजगार चालू कर, फिर से रोजगार चालू होगा, काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है, रुपये कमाता है वहाँ 25 रुपये कमाएगा गांव में, दो आदमी पेट तो भरेगा अपना, अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप गांव पहुंच जाते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते कुछ खाने के लिए हो जाता, कोई की जवा काटते मत गए तो अपने साल एक दो महीना के खाने के लिए कर लेते, अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे, बच्चे मोजाक हुए कि कहाँ से खवाएंगे क्या खाएंगे। और आप भैया आपका नाम, आप भी इनके साथ हो, सब एक साथ एक परिवार है, आपको क्या लग रहा है, इधर आ जाओ, हमको ये लग रहा है कि गांव पहुंच जाए, ये सोचा कि ये खाली एक दिन के लिए लग रहा है, एक दिन लग रहा है, एक दिन आज बाद इसके बाद तो खुलेगा, फिर सोचा कि 14 तक लगेगा, सही 14 के बाद तो खुलना है ही, फिर बढ़ता ही जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है, सरकार का कोई भरोसा ही नहीं है, जैसे एक दिन की बताई थी, एक दिन के बाद फिर 21 दिन की बताई, अब ऐसे ही ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो मजदूर क्या करेगा। तो आपको लगता था कि अगर 30 दिन का होता है तो पहले ही 30 दिन बोल देना था, अगर 40 दिन का होता है पहले बोल देना कि भैया मैं एक बार कर रहा हूँ, 40 दिन का कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल का लगता है एक दफे बोलता, मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, कुछ नहीं खोला, बाहर निकलना मुश्किल है, आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की किसकी नहीं है, वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं, इज्जत है नहीं है, कि मजदूर है, कि गरीब है, जो कोई इज्जत नहीं है वहाँ, मजदूर अगर अपन लोग हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है, जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा, तो हरियाणा कैसे जाने को हुआ, कुछ लोग पहले आप किसी को जानते थे वहाँ पे, हाँ जान जो हरियाणा में थे, हाँ ठेकेदार था जान पहचान का, तो अब आप जाओगे यहाँ से, हाँ जी, आपको लग रहा है कि आप आसानी से पहुँच जाओगे, जो कमरे में वहाँ डंडा मार मार के सह रहे थे, तो रास्ते में जो होगा तो देखा जाएगा, और जो बेटा है आपका कहाँ है, ये भी पूरा चल रहा है, साथ ही में चल रहा, बैठ बैठ के आते हैं, जे थक जाते तो सब लोग 2-3 किलोमीटर चल लेते फिर बैठ जाते, 2-3 किलोमीटर चल चल के बैठ जाते हैं, बच्चे की वजह से कम चल पाए, कुछ भी होता है सब जनता ही को भोगना पड़ता, बड़े आदमन को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होगा हर चीज में जनता ही को फर्क पड़ता है, गरीब आदमन की वैल्यू नहीं है, उन्हीं की मट्टी पलीत है, आपको लगता है कि लॉकडाउन हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया, बीमारी को कोई नहीं हराया, लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेज देते, फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे, पहले तो बता सकते थे 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए इतने दिन के लिए, काम बंद हो जाए। हरियाणा से ट्रेन नहीं चली, नहीं कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने की, चली तो बोल रहे थे 3,000 का रिजर्वेशन बनेगा, हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3,000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला, नहीं हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया, 1 रुपए भी नहीं आया, 2-4 हजार डले होंगे, दो चार आदमन के खाते में डाल देते, बोले पूरी जनता हो डाल दिया, पूरी जनता हो डालेंगे तो आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, इतनी दुखी ही क्यों होगी, पहली बात का होता 500 रुपए में एक दिन की सब्जी नहीं आती, राशन पानी सब खरीदन जा 500 रुपए में क्या होता, आपका आपका महीने का खर्चा कितना होता है, महीने का खर्चा होगा वो 8-10 हजार रुपया, 8-10 हजार, अब दो बच्चे है, 2 ही आदमी हम है तो कितना 8-9 हजार रुपया तो हो जाता है, हाल में 3,000 रुपये कमरे में लग जाते, किराया कमाया नहीं है, पैसे किराया माफ करा देंगे, जो करा देंगे तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, क्यों कच्चू नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली, बिजली का बिल माफ हुआ ना कुछ पानी का, सब लेते हैं कमरे वाले, ना पानी का माफ करते ना बिजली का ना किराया, कहाँ तक आपको जाना है, झांसी, ठीक है कोशिश करते हैं,
झांसी पहुँचा दो तो बड़ी मेहमानी होगी आपकी। ठीक है ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालते हैं आपको झांसी पहुंचाने का। ठीक है अच्छी बात है, यही अगर तुम इतनी मदद दे दो बहुत है, मेहमानी बहुत है हमें। चलो ऐसे मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है, नमस्कार। नमस्कार।